छोटा सा काम करना है, उसके बाद मंडप में गौरी के साथ तू ही बैठा होगा। आए तू का ही इतने? सच सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सो बता। आई कहा चल रहा है काम? मतलब हम जानते हैं सारी महंगी है, मेरे को लगा गौरी भी बहुत अच्छी लगी तो हम खरीद दिया। हमने को लगा मुझे तोहफे से प्रॉब्लम नहीं है। सोहम, मेरे अलमारी में से तूने कितने पैसे निकाले थे? 60,000 है ना। साड़ी आई 15,000, सचिन का गिफ्ट आया 5,000 का, कितने हुए 20,000, बाकी के 40,000 कहाँ गए? हाँ अरे बता ना कहाँ गए। नहीं वो हमने वो बालन को दे दिया। बालन? सुन, बालन बालन क्यों? तू अभी भी उसके साथ है? सो भी क्या हो गया है तुझे? तूने मुझे अभी आज ही कहा था कि आई मेरा बालन से कोई रिश्ता नहीं, वो बाहर आया था और मैंने उसे ऐसे भगा दिया, और तू अभी कह रहा है तूने पैसे बालन को दिए? सो एक सेकंड, तू फिर से कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते है का? तू बता, थोड़ा प्यार ने हमरे अंदर के विष्णु को मार दिया है, फिर से थोड़ी जगाएंगे उको? का करे हमरा जोन अतीत है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता हमरा। एक सेकंड, ये तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे साफ साफ बता ये तूने पैसे बालन को क्यों दिए? भाई जब हम गलत काम करते थे ना तो बालन से कुछ पैसे उधार लिए थे हमरे, आज जब हमरे को मिला तो एहसान जताने लगा कि हम उनका कोनो का मना नहीं कर सकते, अगर मना किए तो हम एहसान फरामोश कहलाएंगे। भाई सच बता रहे हैं कि उन्हें तोरा और बाबा के बारे में बहुत भला बुरा कहा हमरे को, लेकिन हमने एक नहीं सुनी उनकी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमरी भलाई तोरा साथ रहने में, अपने परिवार के साथ रहने में। आए मुंह से सारे नाते तोड़ना चाहते, अब जो जवानी और बचपन काटा है उनके साथ वो तो मिटा नहीं सकते, लेकिन उनका पीछा तो छुड़ा सकते हैं, तो आज उनके सारे पैसे देकर उनका पीछा छुड़ा दिए भाई, अब कोई परेशान नहीं करेगा हमरे को। तो ये सारी बातें तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताते भाई, बाबा की बहुत फिक्र होती है हमरे को, बता देते बाबा की हालत हमारी वजह से खराब हो जाती, और फिर ये जश्न भी तो था, इसलिए रोक लिया अपने आप। तुझे सच्ची मानव की फिक्र है भाई? बाबा है हमरे, बहुत फिक्र है। हम देख सोहम, मैंने तुझसे 1,000 बार कहा, अगर तू कुछ सोच रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझसे आके बात कर, लेकिन कभी तो ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि पता है तू अभी तक मुझे अपनी आई मान ही नहीं पाया। नहीं आई, ऐसा काय कह रही है तू? तू आई है हमरी, तेरा साथ चाहिए हमरे को, ई बार माफ कर दे बस हमरे, आई हमरे को तोरी का साथ, दिन रात मेहनत करके तोरे को पाई पाई चुका दे। लेकिन हमरे को चोर मत समझ, हम हर जख्म हर दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तोरी आंखों में अपने लिए अब इस पास नहीं देख सकते। हमरा अतीत दुलाने में हमारी मदद करना, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि तू अपना अतीत भूल जाए, और अब जब है ना तेरे साथ, अब तेरी मदद करेंगे, तेरे आज पे तेरे आने वाले कल पे मैं तेरे अतीत की छाया भी नहीं पड़ने दूँ, लेकिन बस सो मेरा विश्वास मत तोड़ना और ना ही मेरे जज्बातों के साथ खेलना, मैं टूट जाऊंगी, और तेरे लिए मैं जो भी करूंगी ना तेरी भलाई के लिए करूंगी, याद रखना।
चल अब कपड़े बदल ले, हमारा नीचे सब इंतजार करेंगे। जा जल्दी जा, चेंज कर। नहीं नहीं, अरे लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को जाने दो, लोग क्या कहेंगे? नानी और दादी पागल हो गई पोते की शादी में, हमको तो मजे लूटने। चलो चलो चलो, आओ आओ डांस करते आओ। आई तो यहाँ पे क्यों खड़ी है? जानो सब लोगों के साथ डांस कर। अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ यहीं पे खड़ी रहे। अभी भी तुझे आई चाहिए? हाँ, मुझे तो लगा था अब तक तुझे ना मेरे बगैर जीने की आदत हो गई होगी। आई और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी हो रही है। आई तू भी ना। ऐसा कुछ नहीं है गौरी, हमेशा से आपकी बेटी थी और रहेगी। मुझसे शादी हो जाने के बाद उसकी ये पहचान खत्म नहीं हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू, वो हमेशा आपके उतने ही करीब रहेगी। गौरी का जब जब मन होगा वो आपसे मिलने आ जाएगी, और आपका जब भी दिल चाहे आप उसे मिलने आ सकती हैं। आई, आपके परिवार से गौरी नाम का एक सदस्य कम नहीं हो रहा है, बल्कि सचिन नाम का एक सदस्य आपके परिवार में जुड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। पापा तुम दोनों को हमेशा खुश रखें। जब सभी लोगन नाच रहे हैं तो आप लोगन कैसे बच सकते हैं? चलिए आइए। बार बार नहीं उठा रहे। आप कहीं पास में है का? बिटवा,
हमका तोका एक चीज दिखाना है। अरे इसलिए तो इतना खतरा लेके यहाँ आया हूँ। अब जल्दी से फुलवा रख और बाहर आ जा, हम दोनों इंतजार कर रहा हूँ। हमारा इंतजार मत कीजिए, हम नहीं आने वाले हैं वहाँ पर। अरे लाला, अरे कौनों को फुर्सत नहीं है कि हमें देखे, सब नाच गाने में मस्त हैं। और तू वहाँ से गायब भी होगा तो किसी को कानों का पता नहीं चलेगा। जल्दी से बाहर आ जा बिटुआ, हमें कुछ दिखाना है तोका। लेकिन बाबा समझने की कोशिश करिए, हम नहीं आ सकते। बिटुआ हमारी बात सुन, हम जो चीज तोका दिखाना चाहता हूँ ना, अरे उनको एक बार देखने का तो जी खुश हो जाएगा तोरा। हाँ आजा आजा। ठीक है आते हैं। ऐसा का चीज चुनकर उतारे हो रहे, जानते जस्ते चल रहे, कौन देख रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो कहा था ना कि ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तेरे होश उड़ जाएंगे। ऐसा कहा है आपके पास? अरे देख देख बिटवा देख, एकदम हूबहू बना है ये तो। लेकिन आज तो दिए तो बनवाने के लिए, इतनी जल्दी कैसे बना रही? अरे कैसे बना, किसने बनाया, क्या बनाया, वो सब बातें छोड़। अरे अपना काम हो गया ना, और क्या चाहिए हमका। हाँ तू खुश है ना, तेरी परेशानी खत्म, बस। वो कहा है बिटवा के आज गणेश विसर्जन है ना, वो की वजह से कल दुकानें सुबह देर से खुलेंगी। अब हम अगर वो दर्जी के भरोसे रहते तो अपना काम हो गया था। अरे हम सोचा कि हम खुद ही जाता हूँ और अपने सामने सिलवा के लाता हूँ, बस सिलवाना है, तेरी सारी परेशानी खत्म। ले। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। अगर आप नहीं होते तो कल शायद गौरी हमरी नहीं हो पाती। अरे वो सब छोड़ बिटवा, ये दिखा हमका, दिखा ये। आहा क्या बात है, अरे हमरी नजर न लग जाए बिटवा को, बिल्कुल दूल्हे राजा लग रहा है, दूल्हे राजा। अब गौरी और तेरी शादी होने से कौन रोक नहीं सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बस बिटवा, सिर्फ आज रात का एक इंतजार है, ओ के बाद कल सुबह से तो की नई जिंदगी शुरू। हम कल ओ सचनवा को उठवा लेंगे और ओ की जगह मंडप में तुमको दूल्हा राजा बना के बिठा देंगे। बस गौरी की शादी तो होगी लेकिन उस सचनवा से नहीं, हमरे विष्णु लाला के साथ होगी। तो गौरी चाहिए थी ना, हम गौरी तेरे पास लिया। अगर आज अपनी जिंदगी में नहीं होते ना तो हमरे को हमारी गौरी नहीं मिलती। आज तक हम आपको हमेशा गलत समझते रहे बाबा। ना ना बिल्कुल ना, हमने कहा था ना। लेकिन अब हम आप जॉन बोलेंगे ना, हम भैया करेंगे। अरे लाला हम जानता हूँ, अरे दुनिया में एक हम ही तो है जिसको तेरी फिक्र है, जो तुझे बहुत प्यार करता है। काहे के शादी के माहौल में सब लोग कितना मस्त है, हा? अरे किसी को हमरे बिटवा की फिक्र ही नहीं है, हा? अरे इन्हीं लोगों की वजह से वो गौरी उस ससुरे लंगूर के हाथ में जा रही थी। पर बिटवा चिंता नहीं कर, हम हूं ना और सब ठीक हो जाएगा, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा बस। अरे हाँ तू ये पोशाक को अपने आराम से संभाल कर रख ले, कल पहनना है ना हमारे बिटुआ को, संभाल कर रख ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आई आई क्या हुआ, तू ठीक है ना? थक गई डांस करके, आई पानी चाहिए। हाँ तू आराम कर, कोई डांस वांस नहीं अभी, मैं पानी लेकर आता हूँ। भैया एक गिलास पानी देना। अरे बिटुआ हमका पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तू पास वापस आएगा एक दिन। पालन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, और क्या चाहिए मेरे बेटे से? हाँ इसका बचपन तो बर्बाद कर दिया तुमने, छोड़ हम कब, अब इसका भविष्य भी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़ हम कब, हम कहता हम कर, छोड़ 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 हम कब। पालन पालन ये आदमी यहां क्यों आया था, और क्या बातें हो रही थी, क्यों आया था ये आदमी यहां? क्या है तेरे हाथ, क्या है ये? तो ये सचिन की शेरवानी है ना,
बाबा इको इस स्त्री के लिए दिया था एक, तो बस भैया लेके ही आ रहे थे। झूठ मत बोल, ये शेरवानी तुझे बालन ने दी, मैंने खुद देखा। नहीं नहीं बाबा, आपको कोनो गलतफहमी हुई है, वो यहाँ आया हमरे को भड़काने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो हमारे परिवार को दुख पहुंचाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, और बातों बातों में ये छीनने लगा हमरे से, और ये वापस ले रहे थे मुझसे। सच कह रहे हैं, सचिन की शेरवानी अर्चना ने तैयार करवा के अलमारी में रखी है, तो फिर इसे इस्त्री कराने की क्या जरूरत है? हाँ सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? चल मेरे साथ, चल। देखना है सोहम जीजू की कितनी मदद कर रहा है, अभी उनके साथ ऊपर गए। क्यों नहीं करेगा, अभी ये घर परिवार उसे अपना लगने लगा है, इस परिवार के सुख दुख में शामिल होना उसे अच्छा लगने लगा है, एक छोटे भाई की जिम्मेदारी निभा रहा है वो। और जानती है इस सब का पूरा क्रेडिट सिर्फ ताई को जाता है, उसकी कड़ी मेहनत, उसका विश्वास, इसी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। अब तो बापा से सिर्फ यही प्रार्थना है, उसे भी गौरी जैसी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए और वो जिंदगी में सेटल हो जाए, है ना? तू बिल्कुल चिंता मत कर, पापा तेरी ये प्रार्थना जरूर सुनेंगे, और अर्चू सोहम के लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ निकालेगी। अब बोल क्या कहा था तूने कि ये सचिन की शेरवानी है? तो यहां जो अलमारी में है ये क्या है? सोहम, मुझे सच सुनना है, बता ये हूबहू सचिन जैसी शेरवानी क्यों सिलवाई है तूने? आई मानव को देखा क्या? ताई जीजू ऊपर गए, ऊपर सोहम भी उनके साथ था। ताई एक बात कहूं, सोहम पूरी तरह से शादी की तैयारियों में लगा है, और वो इतना खुश है, अभी संगीत के फंक्शन में भी नाच रहा था, गा रहा था, बहुत अच्छा लगा। और अब देखना जीजू की मदद कर रहा है, वो कुछ सचिन की शेरवानी लेकर गया ऊपर। सचिन की शेरवानी? ताई मुझे लगता है हमें सोहम के लिए भी गौरी जैसी एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए। हाँ आई वैसे मैं आई। हाँ ठीक है। बता बालन के साथ क्या बातचीत कर रहा था तू? बता कौन सा घटिया खेल खेल रहा है तू? क्या कहा था तुमने मुझसे? क्या कहा था अर्चना कि हमारा सोहम सुधर गया? ये सुधराइए, रत्ती पर भी नहीं सुधराइए। ये देखो दो दो शेरवानियां हैं, बिल्कुल सचिन जैसी शेरवानी सिलवाई है इसने। पूछो इससे क्यों किया इसने ऐसा? सब क्या है? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। बालन के साथ बातचीत कर रहा था ये, मैंने खुद देखा, और उस बालन ने ही इसे ये शेरवानी दी है। उसे पकड़ने वाला था मैं, लेकिन वो भाग गया। और ये कुछ बोल नहीं रहा है। सोहम तेरे बाबा तुझसे क्या पूछ रहे, जवाब दे उनको, बोल ना। अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो इस तरह का बर्ताव कर रहा है हमारे साथ? बोल नो। ये देखो अर्चना, ये देखो, देखो कीमत इस शेरवानी की, इतने पैसे कहां से आए इसके पास? हाँ अरे बता बता क्या इरादा है तेरा, बताएगा? हमरे को कुछ नहीं बताना है। देखा अर्चना, देखा तुमने अपने बाबा पर किस तरह से चिल्ला रहा है? यही दिन देखना बचा था बस। मैं तुमसे कह रहा हूं अर्चना, ये लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है, बता क्या छुपा रहा है तू?
सोहम सोहम पता ही सब नहीं बताया हमने को जो सोचा सोचिए हमने बारे में रहने नहीं आई हमें हमने को सोहम मानो मैं देखती सोहम